तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लाखों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो बारिश लगातार बरसने से पानी देख सकते हो कितना यहाँ पर ज़्यादा भर गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर घरों में पानी घुस रहा है, देख सकते हो यहाँ पर नदी चल गई है। आप देख सकते हो पूरा खेत यहाँ पर डूब चुका है। आप यहाँ पर लगातार देख सकते हो पानी बरस रहा है, लगातार रुकने का नाम ही ले रहा है। यहाँ पर 48 घंटों से पानी लगातार बरस रहा है। ये पूरे खेत डूब चुके हैं, यहाँ से पानी से लथपथ हो चुके हैं। और आप यहाँ देख चुके हैं, यहाँ देख सको आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पानी भरा है। ये पानी कम से कम 4 फुट होगा, यहाँ पर पानी 4 फुट भरा हुआ है। आप चारों तरफ देख सकते हो पानी पानी है, यहाँ पे रुकने की यहाँ नहीं है, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। गाइस लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, घरों में से सामान निकाल के रख रहे हैं गाइस, भर चुका है या पूरा यहाँ से घरों में सामान। पता नहीं एक गाड़ी बच पाई कि नहीं, लगातार पानी भर चुका है यहाँ पे, पूरे खेत डूब चुके हैं। लगातार यहाँ से पानी जारी है, पानी रुकने का नाम ही ले रहा है। ये देख सकते हो सभी खेती, ये देख सकते हो सभी खेती बाड़ी डूब चुकी है। चारों तरफ देख सकते हो यहाँ पे 4 लाख का नुकसान हो चुका है। यहाँ पर 3 घर है, 3 घरों का 4 लाख का यानी कि 12 लाख का नुकसान हो चुका है। नरेंद्र मोदी से हमारी ये दस्तगास है कि हमें 12 लाख का मुकदमा दिया जाए, अगर नहीं दे सकते हम खुद कमा लेंगे, धन्यवाद। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर पूरे गांव में पानी भर चुका है, चारों तरफ पानी पानी है। यहाँ पर यहाँ जैसे कि देख सकते हो गाइस चारों तरफ पानी भर चुका है, पूरा गांव डूब चुका है यहाँ पर पानी से। आप जैसे देख सकते हो, आपको देखते ही होगा यहाँ पर लोग जा रहे हैं और यहाँ पर पानी है और यहाँ पर पानी है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कोई पानी आने का चांस नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे पानी आ चुका है यहाँ पर पहली बार। और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर नदी आ गई है, खड्डे यानी कि खड आ गई है। यहाँ पे चारों तरफ सभी खेत डूब चुके हैं, यहाँ पे लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लोग आओगे यहाँ पे अभी अभी फसल लगाई थी लेकिन अभी अभी पानी आ चुका है, ज़्यादा दिन नहीं होती ना फसल लगा हुए। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फसल भी पूरी डूब चुकी है, पूरी तरह से गायब हो चुकी है। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है सिर्फ घास के अलावा, घास वाली जितनी मर्जी खटा जाए लेकिन घास की गायब कमी नहीं होगी, घास का कुछ नहीं कर सकते। और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर चारों तरफ पानी बिल्कुल लग के चल रहा है पानी, यहाँ पे कम से कम 10 फुट गहरा पानी होगा। यहाँ पर वहाँ पर रोड पे इंसान जा रहे हैं, आधे घुटनों तक पानी है उनके, रोड पर लोग आगे जा रहे हैं घुटनों तक पानी है उनके। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर पानी, और ये गाड़ी अभी तक सुरक्षित है क्योंकि हमने इसे सेफ जगह पर खड़ा कर रखा है। आप जैसे कि देख सकते हो ये हॉस्पिटल आज से संडे इसलिए बंद है, और आज जैसे कि देख सकते हो आज संडे इसलिए बारिश भी आज ही आनी थी और खड्ड भी आज ही आनी थी। और जैसे कि देख सकते हो लोग छत पे चढ़े हुए हैं, चारों तरफ देख सकते हो यहाँ पर कितनी तेज़ों से पानी आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी लो हो चुकी है मेरी, क्योंकि कैमरे में चल घुस गया पानी और यहाँ पर फिर से हो चुका है लाखों का नुकसान। और जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर पानी चारों तरफ, यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर घरों में से
पानी घुस चुका है, घरों में से सामान निकाल के यहाँ पर रख दिया है। चारों तरफ ये देख सकते हो स्कूटर वगैरह खड़े कर दिए हैं, और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये लोग हमारी मनी चली गई सब। भाई हम टीम MT27 के मेंबर है, तुम्हें पहचानने भी नहीं आते होंगे, बिहारी लगते होंगे। गाइस चारों तरफ पानी भर चुका है, इन्होंने काफी मेहनत करके इन्होंने घुटनों घुटनों तक पानी से निकाला अपना सामान। जैसे कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो, ताकि गवर्नमेंट को पता चले यहाँ पर क्या नुकसान हो रहा है लोगों का। ये गवर्नमेंट को मतलब बढ़िया जुगाड़ करना चाहिए, ताकि लोग घर में पानी ना घुसे। ये इन्होंने नाला बनाया, नाला नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ पानी दिख रहा है। यानी कि गवर्नमेंट को लोगों को पानी पहुँचाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हो पूरे घर चारों तरफ डूब चुके हैं। गाइस यहाँ पर ट्रैक्टर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे। ये देख सकते हो आप, ये चार मंजिला घर है, इसकी एक मंजिल पता नहीं डूब चुकी है, दिख नहीं रही है पता नहीं। ये घरों वाले तो चलो सेम है, ये ऊंचे पर है, लेकिन हम गरीबों का क्या, जो झोपड़ियों में रहते हैं यहाँ पर चारों तरफ पानी भर चुका है। आप इसे देख सकते हो हमारे खेत डूब चुके हैं, ये कुछ बचे हैं क्या। ये देख सकते हो गाइस लाखों का नुकसान हो चुका है। अभी देख सकते हो उस पार भी खेत थे हमारे, आपको दिखते ही होगा सारे से पानी भर चुका है। और वाले अपने आराम से घरों बैठे, ये क्या कह रहे हो, ये कोठी बनने वाले आराम से अपने घरों में बैठे और हम गरीबों पे सब अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार ये कुदरत का खेल ही है, उनका कोई कसूर नहीं है बेचारों का। हम फाड़ा गया तो ऐसा धमाका हुआ है पता नहीं गाइस। यहाँ पे आपको लगता होगा ये नदी चल रही है, लेकिन ये खेत है, खेतों में पानी चल रहा है। गाइस अब चलते हैं, हमारे फोन की बैटरी डेड हो चुकी है। आप इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, जुकाम हो चुका है गाइस, ये छतों पे पानी भर चुका है गाइस, लोग वाक दिख नहीं रहे हैं गाइस। चलो गाइस ये पता नहीं क्या मजाक बना रही है, इन्हों पता नहीं कितना हमारा नुकसान हो चुका है। ये तो कोठी बंगले वाले लड़के अभी आए हैं हमारे पास। गाइस बाय, आप ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। देखिए गाइस ये पड़ी है झोपड़ी, हट पड़े हुए हैं ये, और ये लड़का हट वाला। तो जैसे कि आप देख सकते हो कैसा लग रहा है आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके घर डूबे हैं? हाँ। घर डूबने पर अच्छा किसी लगता है बताओ। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों से डील करना होता। बिल्कुल सही। You.
गाइस आप चारों तरफ जैसे कि व्यू देख सकते हो, यहाँ पर क्या ही व्यू आ रहा है, चारों तरफ नदी नदी है। अगर यहाँ पर सौरभ जैसी होता है उसकी खुशी के मारे जान नहीं रहती, क्योंकि वो अपने घर के नाले देख के खुश हो जाता है, तो यहाँ की नदियाँ देख के खुश नहीं हो सकते। जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ टीम मेंबर हमारे हैं।